नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, आईपीएस आदित्य कुमार को बिहार की पुलिस बेसब्री से खोज रही है। वो भागे भागे फिर रहे हैं, कहाँ हैं? खैर, ये तो पुलिस तलाश कर ही लेगी, कहीं भी छिपे होंगे तो। और वो भी जानते होंगे कि पुलिस की कार्यशैली क्या होती है, क्योंकि खुद आईपीएस रहे हैं और कई जगहों पर ऐसे चीज़ों में वो जुट चुके हैं और तलाश कर चुके हैं। तो वो भी जानते हैं कि कब तक छिप कर रहेंगे, किसी के आड़ में आना पड़ेगा तो एक दिन बाजार में, वो तो स्वाभाविक है, आने वाली बात तो आने ही पड़ेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि उनके जो सागिर्द हैं, अभिषेक अग्रवाल, वास्तविक नाम इनका अभिषेक भोपाल का है, बहुत बड़ा जालसाज है ये, नटवर लाल कहा जा रहा है ये, जिसने डीजीपी को झांसे में लेकर के आदित्य कुमार का केस भी समाप्त करा दिया था। और ज्यादा लालच बुरी होती है, ये तो आप जानते हैं। अब आदित्य कुमार की पोस्टिंग को लेकर के बार बार डीजीपी एसके सिंगल को ये व्हाट्सअप कॉल कर रहा था। व्हाट्सअप कॉल के डीपी पर इसने जो है, अभिषेक अग्रवाल ने हाईकोर्ट के एक सीनियर जज का फोटो लगा रखा था और खुद अपने आप को हाईकोर्ट का वो सीनियर जज बन करके डीजीपी से बातें करता था, जिसके झांसे में डीजीपी भी आ गए थे और सारी हो गई थी। खैर, ईओयू ने जब जांच किया, मामला सामने आ गया और वो अभिषेक अग्रवाल समेत तीन अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कशिश न्यूज पहले ही बता चुका है कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए और कैसे कैसे ये ताना बाना बुना गया था। लेकिन अभिषेक अग्रवाल को रिमांड पर दो दिनों को लेकर ईओयू ने कई पूछताछ की है, कई सवाल पूछे हैं। अभिषेक अग्रवाल ने बहुत कुछ बताया भी है। उसने बताया है कि ये सारा षड्यंत्र, यानी सारे जो ये प्रोग्राम रचा गया, कैसे डीजीपी से और कैसे आईपीएस अधिकारियों को झांसे में लेना है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आदित्य कुमार हैं। आदित्य कुमार ने ही कहा था डीजीपी से बात करने के लिए मुझे, आदित्य कुमार ने ही मुझे आगे बढ़ाया था, आदित्य कुमार के कहने पर ही मैंने डीजीपी को सीनियर जज बन करके बात कही थी। यानी कि आदित्य कुमार के बारे में अभिषेक अग्रवाल ने कई प्रकार के खुलासे किए। क्या कुछ उसने किया है वो भी ईओयू को पता चल गया है। ईओयू ने दो दिनों को रिमांड पर कई तरह के सवाल किए हैं, यानी कि किसके कहने पर तुमने ऐसा काम किया, इसके पीछे कौन कौन आईपीएस आईएएस हैं, कौन कौन और तुमने जालसाजी की है, भागलपुर में तुम पर मामला क्या था, तुम तिहाड़ जेल क्यों गए थे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास एक और आईपीएस अधिकारी के पिता से रुपया ठगने का आरोप है, तुमने एक आईपीएस अधिकारी को और धौंस दिया था, यानी कि ये तुम्हारा रैकेट है। इस तरीके की तमाम खबर आपको आदित्य कुमार से, आदित्य कुमार के जो जालसाज है नटवर लाल, यानी कि अभिषेक अग्रवाल से ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। उसने कई राज फाश किए हैं, कई बातें कही है। आदित्य कुमार फरार चल रहे हैं और इनके जो जालसाज मित्र हैं अभिषेक अग्रवाल, अभी वो ईओयू के कब्जे में है, न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे, दो दिनों की रिमांड पर ईओयू ने लिया है और कई तरह के राज फाश किया है। मैं आपको एक बार फिर पूरे सिनारियो को बताता हूं कि गया में जब ये आदित्य कुमार एसएसपी थे, तो उस दौरान फतेहपुर थाना में आपको शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और उसके साथ तस्कर भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन वहां के तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे आपको संजय कुमार, उन्होंने जो एसएसपी के काफी करीबी माने जाते थे आदित्य कुमार का तत्कालीन, तो उन्होंने एसएसपी से मिली भगत करके एक मोटी रकम लेकर के बड़ी खेप को छोड़ा, तस्कर को भी छोड़ दिया। जब ये बात वहां के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा थे, उनको जब उन तक पहुंची, तो उन्होंने एसएसपी को बोला कि आप थानेदार पर कार्रवाई करें, लेकिन एसएसपी ने उनको सिर्फ चेतावनी देकर के छोड़ दी। इसको लेकर के अमित लोढ़ा ने मुख्यालय को लिख दिया, फिर ये मामले काफी तुल पकड़ लिए। तुल पकड़ने के बाद तत्काल वहां से आदित्य कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन जांच में पाया गया कि आदित्य कुमार की भी उसमें मिली भगत थी। तो फतेहपुर थाना में ही आदित्य कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसी मामले को रफा दफा करने के लिए आदित्य कुमार ने जालसाज अभिषेक अग्रवाल का सहयोग लिया और उन्होंने कहा कि तुम डीजीपी को फोन करो कि इस मामले से आदित्य कुमार का नाम हटा दे, और नाम भी हट गया था। लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा था कि इनकी पोस्टिंग कर दी जाए। इसको लेकर के मामला शक में आया और बहुत सारी चीजें खुल करके आई है। अब देखने वाली बात होगी कि अभिषेक अग्रवाल के खुलासे के बाद आदित्य कुमार के और कितने राज खुलते हैं। वो तमाम जो राज खुलेंगे, कशिश न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।